प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना का रामबाण कहे जाने वाले कोरोना वैक्सीन पर उस समय सवाली निशान खड़ा हो गया जब साइबर सिटी गुरुग्राम की कृष्ण कॉलोनी में रहने वाली LSP सुपरवाइजर की कोरोना वैक्सीन लगने के महज 130 घंटे बाद मौत हो गई। एक हंसता खेलता परिवार मातम में तब्दील हो गया। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग इस पर अपने रिसर्च कर जानकारी जुटा रहा है कि क्या वाकई ही कोरोना वैक्सीन के कारण मौत हुई है या इस मौत का कारण कुछ और भी है, लेकिन परिजन इसका ठीक तरह कोरोना वैक्सीन पर ही फोड़ रहे हैं। सबसे पहले आप मृतक के बेटे का बयान सुनिए। एक महिला की जिसने वैक्सीनेशन करवाया था उसकी डेथ हो गई है आज। कौन सी तारीख को उसने वैक्सीनेशन करवाई थी और क्या है ये पूरा मामला एक बार बता दीजिए। 56 वर्षीय LHV जो हमारी PHC भांगरोला में काम करती थी, उन्होंने 16 तारीख को वैक्सीन ली थी और आज सुबह उनके परिजनों ने उनको मृत पाया। सडन डेथ रिपोर्ट हुई है, मेदांता लेके गए जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया था और उनकी शिकायत के आधार पर हमने पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अभी तक प्राप्त हुई है उसमें कोई डेफिनेटिव कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला है। उनके विसराज और उनके बॉडी के पार्ट जो है कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं और AEFI कमेटी की जो अभी इनिशियल असेसमेंट के हिसाब से डायरेक्ट कोविड के कोई रिलेशन या सिम्टम नहीं थे, क्योंकि परिजनों ने भी स्वयं बताया और कहा है कि पिछले 5 दिनों से यानी जब से वैक्सीन लगी उन्हें कोई भी ऐसा साइन या सिम्टम या किसी किस्म का एडवर्स इफेक्ट नहीं था। अब ये एक क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है और उसकी फाइनल रिपोर्ट जब दोबारा आएगी विसरा की तो उसके बाद AEFI कमेटी इसको एक बार दोबारा रिव्यू करेगी और कॉज ऑफ डेथ संभवतः तभी बताया जा सकता है। संचित, जो मृतक महिला है वो कौन है आपकी? वो मेरी मम्मी है। अच्छा, वो वहाँ पर ये PHC भांगरोला में काम करती हैं, एज अ सुपरवाइजर है LHV। तो अभी उन्होंने 16 तारीख को उन्होंने ये जो वैक्सीन है इसकी कोविड की इसकी उनको इंजेक्शन लगाया, उसके बाद ठीक थी। कल अचानक ही मतलब आज रात को ही अचानक मतलब वो सुबह जैसे उठी हैं तो उठी नहीं हुई एकदम, जैसे पापा मम्मी का रूटीन का होता है तो पापा उठे हैं तो उसके बाद मम्मी तो उठी नहीं थी। कितनी उम्र थी उनकी? और मम्मी की है 55 ईयर्स, 55 साल। तो क्या उससे पहले क्या उन्हें कोविड की प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा उनको क्या प्रॉब्लम थी? कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस घुटने में उनका पेन रहता था, बस उसकी मेडिसिन चल रही थी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई जा चुकी हैं, उन्होंने सब कुछ टेस्ट कर लेगा, सब कुछ उनको ECG वगैरह मतलब जो भी उनके जो भी टेस्ट करते हैं वो सब कुछ। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।